अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, हैर हरिया से होंगे और खुशबाज होंगे। मैं भी अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक हूँ और हैर हरिया से हूँ। अभी टाइम हो रहा है 10 बजे का, मॉर्निंग हो चुकी है। पहले भी मैं सुबह उठा था, नमाज पढ़ी थी, लेकिन फिर मैं सो जाता हूँ तो अभी जो हो चुकी है हमारी मॉर्निंग। तो नाश्ता तैयार हो रहा है, उससे पहले पानी नहीं है तो मैं जा रहा हूँ बाबा के साथ पानी लेने। तो अभी फटाफट से चलते हैं पानी लेने के लिए। तो अभी ले आया पानी। तो ठंड जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा है बाहर। मैं आपको दिखा रहा हूँ कितनी ज़्यादा जो धूल है ना वो पड़ी हुई है। वो देखें दूर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, इतनी ज़्यादा जो है ना वो धुंध पड़ी हुई है। ठंड भी बहुत ज़्यादा है। अभी जी हो चुका है टाइम नाश्ते का। तो नाश्ते में है हमारे पास आलू, गाजर, मटर और साथ में पराठे हैं। तो अभी फटाफट से कर लेते हैं नाश्ता, उसके बाद आपसे मिलते हैं। नाश्ता वगैरह कर लिया है तो आ गया चाय। तो भी फटाफट से चाय पी लेते हैं गर्मा गर्म। बाहर जितनी ठंड है ना तो चाय तो लाजमी है भाई साहब, चाय तो हम छोड़ भी सकते हैं। तो भी फटाफट से चाय भी पी लेते हैं। बिस्मिल्लाह, नाश्ता वगैरह कर लिया है तो भी बर्तन रखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जी खाना खाना जो है ना वो खा के तो मैं जा रहा हूँ। अभी देखते हैं, जब मैंने आपको आगे दिखाया था तो धूल जो है वो काफ़ी ज़्यादा थी। तो सर्दियाँ वैसा फुल खतरनाक वाली आगे को भी देखते हैं, धूल जो है उतरी है कि नहीं उतरी। ओहो भाई साहब, यहाँ पर है आप लोग ये देखिए, इतनी ज़्यादा धुंध है ना कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा अच्छे तरीके से। यहाँ पर ये देखें, वहाँ पर आगे मैं दिखाता था, वहाँ पर पीछे मस्जिद का मीनार नज़र आता था, घर नज़र आते थे, लेकिन आज देखिए आप लोग, आज कुछ नज़र नहीं आ रहा। आज कल धूंध पड़ी थी पहले दिन सर्दियों, जब जबकि सर्दियाँ आई हैं ना, कल धूंध पड़ी थी। तो कल मतलब कि तकरीबन जिस टाइम मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था ना 10 बजे, तो उसी टाइम जो है ना कल उतर गई थी, लेकिन आज भाई साहब धूंध है कि जाने का नाम ही नहीं ले रही है। देखें और है भी काफ़ी ज़्यादा, ये देखें हल्की हल्के बस। यहाँ पर तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा, यहाँ पर तो फिर भी कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर आप लोग देख, मैं तो बस धूंध ही देखने आया था। ठंड काफ़ी ज़्यादा तो फटाफट से नीचे चलते हैं। अभी ठंडी ठंडी हवा जो है ना मुँह पर आकर लग रही है, तो अभी फटाफट से नीचे चलते हैं। लकड़ियाँ जी थोड़ी सी अंदर से निकाली है, अंदर थी लेकिन ये देखे यहाँ पर हमने आग लगाई थी। अगर आप लोगों ने वो व्लॉग नहीं देखा जिसमें मैंने ये कमरा दिखाया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर छोटी छोटी सी और हैं, तो अभी यहाँ से जो है ना लकड़ियाँ इकट्ठी कर लेते हैं, थोड़ी सी आगे कर ली हैं तो भी थोड़ी सी और देख लेते हैं, और फिर छत पर जाकर जो है ना आग लगा लेते हैं, क्योंकि थोड़ी सी आग मतलब कि सेक लेंगे तो सुकून हो जाएगा, क्योंकि ठंड जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी इकट्ठी कर लेते हैं।
मैं जा रहा हूँ छत पर, क्योंकि जो लकड़ियाँ मैं छत पर लेकर गया था उसे लेकर जा रहे हैं वो नीचे जो बाहर जो रूम है जो भी है। तो क्योंकि पहले ऊपर आग लगानी थी, ऊपर मैंने लगानी थी दाबड़े में, तो दाबड़ा मैंने जब घर वालों से पूछा तो वो कह रहे हमने फेंक दिया है। तो अभी मैं लेकर चला हूँ उन्हें जो है भाई वहाँ पर ही उस रूम में जहाँ से इकट्ठी की थी, तो वहाँ पर ही आग लगा लेती है। लकड़ियाँ ले आया हूँ मैं नीचे, तो भी आग लगा लेते हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जी आग हमारी लगनी शुरू हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। जितनी वैसे ठंड है ना, आग लगाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, लेकिन हमारी आग जो है ना काफ़ी जल्दी लग गई है अल्हम्दुलिल्लाह। आग है भाई साहब के लगने का नाम ही नहीं ले रही, बहुत कोशिशें की हैं लेकिन आग जो है वो नहीं लगी, तो अभी फिर से कोशिश करते हैं। तो धुन तो आगे से थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन फिर भी हम आग लगा कर ही आग छोड़ेंगे। बहुत मेहनत की है भाई साहब लेकिन आग जो है ना वो नहीं लगी। तो आग हमारी नहीं लगी थी, लेकिन मैं आ गया हूँ अभी अंदर, रजाई आकर लेट गया हूँ क्योंकि सर्दी जो आपको पता है आज जो है ठंड आज काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी इधर लेट जाते हैं थोड़ी देर, उस आराम करते हैं, उसके बाद जो है ना फिर आपसे मिलते हैं। टाइम हो रहा है 12:40, अभी मैं छत पर आ रहा हूँ। एक सॉक्स जो है मेरी नीचे पड़ी हुई थी और एक ऊपर है, तो वो अभी मैं भूल गया है क्योंकि धुंध जो है ना अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो 12:40 हो चुके हैं लेकिन धुंध है तो भाई साहब ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखें धुंध अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। अभी ले लेते हैं अपने सॉक्स, ये यहाँ पर भरी हुई है ये, तो अभी नीचे चलते हैं सॉक्स ले लिए, अभी चलते हैं नीचे। अभी जी सॉक्स वगैरह डाल ली हैं, अभी मैं जा रहा हूँ दुकान पर, दुकान पर लेने जानी है सब्ज़ी। आपको पता ही है ऐसी टाइम जो है मैं लेने जाता हूँ, 1:15 हो रहे हैं, तो भी अगर पढ़ना भी है तो अभी फटाफट से चलते हैं सब्ज़ी लेने के लिए। सब्ज़ी मैं ले आया हूँ, सब्ज़ी में आज हम पकाएँगे पिच और साथ में चावल। हमारे यहाँ जो है ना ये सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा पकाई जाती है ये पिच और साथ में चावल, साथ में अंडे हैं, उबले हुए अंडे डालेंगे तो मज़ा जो है मज़ीद बढ़ जाएगा। तो अभी जो है ना प्याज भी लेकर आना है, सब्ज़ी मैं ले आया हूँ वैसे, तो अभी प्याज भी लेकर आना है और साथ में जो भी मसाले मतलब के गरम मसाले वगैरह नहीं हैं तो वो भी देख लेते हैं और वो भी लेकर आते हैं। ये है नमक का डब्बा, डब्बा और नमक है, बाकी और भी देख लेते हैं। और ये शुगर के शुगर भी है, ये पत्ती क्या पत्ती नहीं है, साथ में हल्दी भी है, लाल मिर्च जो है वो कम ही है, और साथ में ऑयल भी जो है ना वो ये से चार्जे का काम, लेकिन घी भी नहीं है। तो भी ले आते हैं, आ चुका हूँ जी मैं लेकर प्याज और साथ में घी नहीं था तो वो भी ले आए माशाल्लाह जी। अभी आ चुकी है टेस्टी टेस्टी कराची बिरयानी, भाई लेकर आए हैं। तो आपको पता है सुबह नाश्ता किया था 10:00, तो अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 1 से ऊपर हो चुका है, 1:15 हो चुके हैं। तो ठंडा ठंडा मौसम है, आपको पता ही आज जो है सर्दी काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसी टेस्टी टेस्टी बिरयानी मिल जाए तो और क्या चाहिए, तो भी फटाफट से खा लेते हैं। आ चुका हूँ जी मैं अपनी बैठक में, क्योंकि पढ़ना है, क्योंकि जब 12:40 हो रहे थे तब मैं गया था सब्ज़ी लेने के लिए, तो तब आकर पढ़ना था। तो आज सारी वो प्याज और दूसरी चीज़ें घी वगैरह लेने गया था तो वो भी लेने चला गया, फिर भाई बिरयानी ले आए,
फिर बिरयानी खाने लग पड़े। तो अभी टाइम मिला है तकरीबन 1:45 हो चुके हैं, मतलब कि 1 घंटा लेट हो चुका हूँ मैं। तो भी फटाफट से पढ़ लेते हैं क्योंकि टाइम शॉर्ट ही होता है, और आज धुंध अभी तक भी है, और ठंड जो है ना भाई साहब बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है, सर्दी जो है ना बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है। तो अभी पढ़ लेते हैं, तो आज का व्लॉग मेरा थोड़ा सा ना भरा हो जाएगा, तो मैं बड़ा तो नहीं होगा लेकिन मेरी रेंज से बड़ा हो जाएगा, तो यानी कि ये अच्छी बात है, बड़ा व्लॉग होना चाहिए। आगे मेरा 5, 4, 6 मिनट का व्लॉग होता था, आज इंशाल्लाह 10 मिनट का ज़रूर होगा। तो अभी फटाफट से जो है ना मैं पढ़ लेता हूँ। अभी जी पर मैंने लिया है, तो आज का व्लॉग, आज की वीडियो को यहीं पर करते हैं। तब उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे व्लॉग की नए आने वाले जो व्लॉग होगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। हमें दीजिए इजाज़त, बहुत दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।